देश के गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में 5 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, जबकि उनकी जो पहली रैली थी वो पुंछ के मेंढर में की गई। यानी मेंढर एक ऐसा इलाका है जो कि भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटा हुआ इलाका है। महज कुछ ही दूरी पर जो है वो पाकिस्तानी यानी LOC है, पाकिस्तानी सीमा जो है वहाँ पर लगती है। देश के गृह मंत्री मेंढर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए तीखे हमले जो है वो किए। उन्होंने 3 परिवारों का जिक्र किया जो अक्सर अमित शाह अपने बयानों में करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और तीसरा कांग्रेस। यानी ये 3 गांधी परिवार को मिला के इन तीनों परिवारों ने जम्मू कश्मीर के विकास को रोक रखा है और इनकी वजह से आज जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को दोचार होना पड़ रहा है। हालांकि ये एक चुनावी संग्राम है। अमित शाह अपने चुनावी सभाओं को जो है संबोधित करने के लिए जम्मू संभाग में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भाजपा के प्रत्याशियों के लिए जो है वो चुनाव प्रचार किया और लोगों से वोट की अपील की। बहरहाल 25 तारीख को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का जो दूसरा फेस है वो वहाँ पर जो है वो चुनाव होना है, लेकिन अमित शाह ने अपना जो संकल्प पत्र है यानी जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर भी तमाम बातें रखी और साथ में बॉर्डर के इलाके के लोगों के लिए ये कहा कि हम आपके लिए जो है वो कई विकास कार्य लेकर आएंगे और जम्मू कश्मीर का जो मेंढर पुंछ या फिर राजौरी का हिस्सा है इसे पर्यटन स्थल यानी इसको एक ऐसा पर्यटन शहर बनाया जाएगा जिसके बाद ताकि पूरे देश का पूरे विदेश का पर्यटन यानी टूरिज्म जो है वो यहाँ पर आएगा। साथ में अमित शाह ने पाकिस्तान को सीधा तौर पर एक संदेश देते हुए वार्न करते हुए कहा कि गोली का जवाब जो है वो गोले के साथ दिया जाएगा और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इससे पहले जो फायरिंग होती थी तब कुछ जो सियासी नेता यानी जो विपक्षी थे वो पाकिस्तान के साथ बात करना चाहते थे यानी उनके साथ बातचीत के जो है वो बातें करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से बात करना चाहता है। इस तरीके का उन्होंने आज जो है वो बयान दिया। हालांकि भारी संख्या में लोग जो है वहां पर मौजूद थे और आपको एक चीज जरूर बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के अंदर जो राजौरी पुंछ की 8 सीटें हैं यानी जो 8 विधानसभा क्षेत्र है, 5 राजौरी जिले के अंदर आती हैं और 3 जो है वो पुंछ जिले के अंदर आती है। इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का पूरा फोकस है ताकि बड़े से बड़े स्टार प्रचारक यहाँ पर भेजे जाएं और यहाँ पर जो है वो कैंपेनिंग की जाए, लेकिन 8 सीटें भाजपा के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन 8 सीटों पर जो पहाड़ी तबका है यानी जो पहाड़ी ST रिजर्वेशन के लोग हैं यानी जिन्हें भाजपा ने यानी सरकार ने जिन्हें आरक्षण दिया और भाजपा को ऐसी उम्मीद है कि ये जो पहाड़ी भाषा के जो वो लोग हैं वो एक अपना अच्छा दमखम दिखाकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कामयाब करेंगे। हालांकि आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग जो है वो कई पहाड़ी नेताओं को मैदान में उतारा गया है यानी जो कैंडिडेट भाजपा की तरफ से वो भी पहाड़ी हैं, लेकिन सुरंगकोट, पुंछ, मेंढर, थना मंडी, धराल, उसके बाद राजौरी, नौशहरा, कालाकोट, सुंदरबनी, ये तमाम जितनी भी विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर चुनावी रैलियाँ जो है वो होनी है। और लगातार अमित शाह जो है वो 3 दिवसीय जम्मू दौरे पर हैं और तमाम बड़ी चुनावी रैलियों को जो है वो संबोधित कर रहे हैं। हालांकि अमित शाह की रैलियों का कितना इम्पैक्ट रहेगा ये तो 25 तारीख को ही तय हो पाएगा, क्योंकि 25 तारीख को दूसरे फेज का जो है वो चुनाव मतदान होना है और उसके बाद 8 तारीख को जो है इसके चुनावी नतीजे आने हैं, बल्कि 1 तारीख को जो है वो तीसरे फेज का चुनाव होना है। बहरहाल पूरा जो BJP की बड़ी लीडरशिप है देश के अंदर वो सारी इस समय एकजुट होकर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पहुँच रही है। बहरहाल अमित शाह अपना जो मैनिफेस्टो, अपना संकल्प पत्र लेकर लोगों के बीच में जो जा रहे हैं वो जो है उसमें काफ़ी बातें जो है वो उन्होंने की हैं। हालांकि अमित शाह ने कई और भी जो कहा है, उन्होंने एक बड़ा जो है एक आरोप लगाते हुए कहा कि जब पहाड़ियों को ST रिजर्वेशन दिया गया यानी जब बिल पास हुआ लगातार फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के लोग जो है वो इसका विरोध करते रहे। हालांकि ये उनका आरोप था। बहरहाल इस पूरे जो है वो समीकरण को लेकर अब देखना ये है कि 25 तारीख को होने वाले चुनाव पर जनता किसे अपने नेता चुनती है, क्या भाजपा का जो फोकस है इन 8 सीटों पर उन पर जो है जनता खरी उतरेगी या जनता उन कैंडिडेट्स भाजपा को जिताएगी। हालांकि उन कैंडिडेट के सामने जो कैंडिडेट ओपोजिशन में हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस के कैंडिडेट हैं या फिर निर्दलीय हैं या फिर किसी और पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी मुकाबला जो है इस बार काफ़ी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। हालांकि एक चुनावी रैली को लेकर ये आज का हमारा अपडेट था। अमित शाह जो है वो एक बड़ी जनसभा को उन्होंने आज जम्मू के अंदर कुल 5 रैलियों को जो है वो संबोधित किया है। अब देखना ये है कि क्या कुछ इस चुनाव के बाद निकल कर समय आएगा। बहुत हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था कि आज मेंढर में पहली बार गृह मंत्री जी यहाँ पर पहुँचे, यानी हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा जो नेता था यहाँ पहुँचा और हमें बहुत अच्छा लगा।
और ये जितने भी लोग बॉर्डर से आए हुए पूरे मेंढर से कम 20,000 के लगभग जो लोग थे आज बहुत खुश हुए हम लोग। और हमारी ये अपील रहेगी कि तमाम लोग जो हैं आसान का बदला आसान से दें और तमाम लोग आज जो हमने बात सुनी अमित शाह जी की कि 5 मरले का प्लाट वो गरीब लोगों को देंगे, उसके बाद उन्होंने कॉलेज की बात की वुमेन कॉलेज देंगे, प्लस उसके बाद उन्होंने रोड के बारे में ट्रेन के बारे में बात की, जम्मू से लेकर जो पुंछ तक ट्रेन आने वाली है उसके लिए भी उन्होंने विचार करने की बात की है। हमें बहुत अच्छा लगा और हमें खुशी हुई है कि आज ये हमारा काम हुआ। शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, हिंदुस्तान के वज़ीर दाखला अमित शाह साहब सरहद की पट्टी पे। मैं समझता हूँ कि बैन अलावामी सतह पे इसका पॉजिटिव मैसेज और हमारे अंदर एक जो है एक लोगों के अंदर चाहत अमंग थी। पहले जो है जब वो रजौरी तशरीफ लाए थे तो लोगों को ये कहना था कि चलो चलो रजौरी चलो, तो आज गांव से पंचायतों से लोग ये कह रहे हैं कि चलो चलो मेंढर चलो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने वज़ीर दाखला अमित शाह साहब से लोग कितने प्यार मोहब्बत करते हैं, वो कितने प्यारे लीडर हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ आने से इस इलेक्शन सेगमेंट मेंढर जो हमारे सरदार मुर्तजा अहमद खान एक तरफा मुकाबला यहाँ से जीतेंगे और असम्बली में पहुँचेंगे। मैं नहीं है, ये मेंढर के लोगों के हित में यहाँ पे आके अमित शाह साहब ने आज उनको एड्रेस किया है और ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती है यहाँ के लोगों के लिए। उन्होंने अपनी आँख से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के तौर पे उन्हें महसूस हुआ है कि हमारे लोग किन मुश्किलात में रह रहे हैं और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं प्रोजेक्ट भी नहीं कर सका, वहाँ टाइम की कमी थी और उनके लिए भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि मैं मिस कर गया था कि यहाँ के नौजवानों के लिए एक स्पेशल ड्राइव हो जिसमें आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस CRPF वगैरह वगैरह उनमें स्पेशल ड्राइव के तौर पे नौकरियां फराम करें, जो उन्होंने खुद कहा। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक इलेक्शन रैली के साथ साथ अमित शाह साहब का यहाँ आना, यहाँ के लोगों की असली हालत को देखना है और ये दूर तक उनके जहन में रहेगा, याद रहेगा, वो इस पे काम करेंगे। ये इलेक्शन में इस तरह की चीज़ों को एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए और हमें जहनी तौर पे तैयार रहना होता है कि जो आपका मुखालिफ कैंप है जिस वक्त उसकी अपनी हवा निकल रही होती है तो वो कोशिश करते हैं कि दूसरे के प्रोग्राम को सबोटाज किया जाए। ये मैनूवरिंग जो है ना ये स्ट्रेटेजिकल होती है, वो लोगों ने की लेकिन उसके बावजूद आज ये मसरूफियत का टाइम है, फसलों का वक्त है। और फिर दूसरा हमारे साथ एक और भी आप कह लीजिए एक तरीके से मिस हैप है, हमारा टाइम असल में 2:40 का था, हमने बहुत सारे लोगों को 2:40 का वक्त बताया था लेकिन प्रोग्राम चेंज करना पड़ा किसी वजह से और वो यहाँ पर तकरीबन 11:30 आ गए। तो अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ बाहर, आपने देखा होगा कि इस पंडाल से बाहर कमोबेश उतनी तादाद में लोग मौजूद थे। तो इन लोगों का यहाँ आना और उनको इनको देखना ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों के लिए ये इनकी फलाह बहबूद डेवलपमेंट वगैरह के लिए ये दूर तक याद रखें।